हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 27। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 2 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 6 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 8 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है और रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक अल्फाबेट को एक कॉलम के तौर पर ट्रीट करें तो हमें टोटल 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हमें इस पूरी ग्रिड को 5x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए, तो उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 5 और i plus plus, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 9 और j plus plus, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा, और वो 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम स्लैश एन लिखते हैं जो हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में लाके देगा। अभी आई का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है और हर बार वो 9 स्टार प्रिंट करके दे रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगा। नाउ फॉर लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल आई और जे का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज जे, एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे अल्फाबेट्स तो कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक रो को हम ध्यान से देखें तो उसकी कुछ जे की वैल्यू के लिए हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है और कुछ जे की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम देख लेते हैं कि कौन सी जे की वैल्यू के लिए हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है और कौन सी जे की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब आई इक्वल्स टू 1 हो उस वक्त जे की वैल्यू 1 एंड 9 हो तब हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब आई की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 8 एंड 9 हो तब हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो या फिर 9 या 9 से ज्यादा हो तब हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो या फिर 8 या 8 से ज्यादा हो तब हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 3 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो या फिर
सेवन या सेवन से ज्यादा हो उस वक्त हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। आई की वैल्यू फोर हो उस वक्त जे की वैल्यू फोर या फोर से छोटी हो या फिर सिक्स या सिक्स से ज्यादा हो उस वक्त हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी आई इज इक्वल्स टू फाइव के लिए भी हम ऊपर के चार स्टेटमेंट के जैसे अगर लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जब जे की वैल्यू फाइव या फाइव से छोटी हो या फिर फाइव या फाइव से ज्यादा हो तब हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। यानी इन पांचों स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जे लेस देन और इक्वल्स टू एक्स या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। यानी अगर हम एक्स की वैल्यू को ध्यान से देखें तो आई इक्वल्स टू वन के लिए एक्स की वैल्यू वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर एंड उसके बाद फाइव है। सेम वे वाई की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो आई इज इक्वल्स टू वन के लिए वाई की वैल्यू नाइन, उसके बाद एट, उसके बाद सेवन, उसके बाद सिक्स एंड उसके बाद फाइव है। यानी कि एक्स की वैल्यू आई की वैल्यू के साथ बढ़ती जा रही है और वाई की वैल्यू आई की वैल्यू के साथ कम होती जा रही है। तो फिर से हम एक बार आई एक्स और वाई की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब आई की वैल्यू वन है उस वक्त एक्स की वैल्यू वन एंड वाई की वैल्यू नाइन है, आई की वैल्यू टू है उस वक्त एक्स की वैल्यू टू एंड वाई की वैल्यू एट है, आई की वैल्यू थ्री हो तब एक्स की वैल्यू थ्री एंड वाई की वैल्यू सेवन है, आई की वैल्यू फोर हो उस वक्त एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू सिक्स है, और आई की वैल्यू फाइव हो उस वक्त एक्स की वैल्यू फाइव और वाई की वैल्यू फाइव है। सो अभी हम आई और एक्स की वैल्यू को ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू वन है उस वक्त एक्स की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू टू है उस वक्त एक्स की वैल्यू टू है, आई की वैल्यू थ्री है उस वक्त एक्स की वैल्यू थ्री है, आई की वैल्यू फोर है उस वक्त एक्स की वैल्यू फोर है और आई की वैल्यू फाइव है उस वक्त एक्स की वैल्यू फाइव है। यानी कि आई और एक्स की वैल्यू हमेशा सेम है। यानी अभी जो हमने इक्वेशन लिखा उसके अंदर हम जे लेस देन और इक्वल्स टू एक्स की जगह पे जे लेस देन और इक्वल्स टू आई लिखे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेम वे अभी आई और वाई का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 9 प्लस 1 10 होता है, सेकंड केस में 8 प्लस 2 10 होता है, थर्ड केस में 7 प्लस 3 10 होता है, फोर्थ केस में 6 प्लस 4 10 होता है और फिफ्थ केस में 5 प्लस 5 10 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और y का एडिशन हमेशा 10 होता है। यानी कि अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू हमेशा 10 माइनस i होती है। यानी अभी जो इक्वेशन हमने लिखा था उस इक्वेशन के अंदर अगर हम y की वैल्यू पुट अप करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 माइनस i। अभी हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था, और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था, पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे हमें स्पेस भी प्रिंट करवानी है और कुछ जगह पे अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं। और उसी लिए हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की कि किस जे की वैल्यू के लिए हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं और किस जे की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो अगर हम इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखे और इफ की कंडीशन के तौर पे जो कंडीशन हमने अभी आइडेंटिफाई की उसको अगर हम लिखे तो हमें यहाँ पे जो पैटर्न दिख रही है उसके अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेंगे, पर हमें स्टार की जगह पे अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं। अभी जब आई की वैल्यू वन है उस वक्त हमें ए प्रिंट करवाने हैं और ए के साथ आस की वैल्यू एसोसिएट है 97। जब आई की वैल्यू टू है उस वक्त हमें बी प्रिंट करवाना है और बी की आस की वैल्यू है 98। जब आई इक्वल्स टू थ्री हो उस वक्त हमें सी प्रिंट करवाना है और सी की आस की वैल्यू है 99। जब आई इज इक्वल्स टू फोर हो उस वक्त हमें डी प्रिंट करवाना है और डी की आस की वैल्यू है 100। और जब आई की वैल्यू फाइव हो उस वक्त हमें ई प्रिंट करवाना है और ई की आस की वैल्यू है 101। अभी हम 97 को 96 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 98 को 96 प्लस 2 लिख सकते हैं,
99 को 96 प्लस 3 लिख सकते हैं, 100 को 96 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 101 को 96 प्लस 5 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इन पांचों स्टेटमेंट को कॉमन ले लिखे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 96 प्लस आई। यानी अगर हम 96 प्लस आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दे तो हमें हमारी डिजाइन पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमें else ब्लॉक के अंदर भी एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें ये पैटर्न आउटपुट के तौर पे मिलेगी, अदरवाइज हमें कुछ और पैटर्न मिलेगी। सो अभी हमने देखा कि सेकंड फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है, एज वेल एज इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि जे लेस देन और इक्वल्स टू आई और जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 माइनस आई, एंड प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टार की जगह पे कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है और उस कैरेक्टर की वैल्यू 96 प्लस आई के बराबर होनी चाहिए। अभी यहाँ पे जो हमने 10 लिखा है उसको हम 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो हमने 9 लिखा है उसको हम 2 इंटू 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। नाउ एक बार हम इस कोड को टेस्ट कर लेते हैं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न आउटपुट के तौर पे मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी हमें इस पैटर्न को n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से रीड करेंगे, तो उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि % d एड्रेस ऑफ n, स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे एंटर n लिखेंगे। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखे हैं वो दोनों फॉर लूप 5 रोज के लिए लिखे हैं तो उनको भी हमें n रोज के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, j लेस देन और इक्वल्स टू 2 into 5 minus 1 को j लेस देन और इक्वल्स टू 2 into n minus 1 कर देते हैं और j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 into 5 minus i को j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 into n minus i कर देते हैं एंड फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 19 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 19 रोज के लिए मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 27 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।